आज का जो ट्रेनिंग का ये जो पार्ट आपने देखा ना कि कैसे हमने लोगों ने आपके सामने मोस्टली प्रॉब्लम आ रही होगी कैसे डॉग को अपने पॉटी बाहर कराएं, तो ये ट्रेनिंग का डे 11 है। इसमें हमने ये ट्रिक बताई है कि कैसे आप अपने डॉग को पॉटी के लिए ट्रेन करेंगे आउटसाइड के लिए। इससे अलग अगर आप लोग कुछ और भी सिखाना चाहते हो अपने डॉग को तो हम लोग पूरा ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं। उसकी डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, जो नंबर स्क्रीन पे दिए जा रहा है इन नंबरों पे हम आपको पूरी कोर्स की डिटेल्स दे देंगे। इसमें इस ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स में क्या होता है कि आप कोई बिना ट्रेनर लगाए खुद से अपने डॉग को घर पर ही सिखा लेते हो। इसकी छोटी सी फीस होती है जो कि 10 गुना कम होती है ट्रेनर से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप बहुत आराम से सिखा सकते हो। आज ये ट्रेनिंग का पार्ट जो है वो दिखाने के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग हमें आना पड़ा है 7:30 AM, और नो बॉय इसको बांध के तुरंत लेके जाते हैं और जो पॉटी की ट्रेनिंग के लिए आपको दिखाते हैं कैसे इसको क्या किया है। ठीक है, अब यहाँ से जाएगा सीधे तो ये पॉटी करेगा पहले। ठीक है, तो इसकी पर्टिकुलर टाइम सेट है इसलिए थोड़ा सा भाग गया है। नो बॉय, नो 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 नो, स्लो, आराम से, हील हील, डोंट पुट डोंट पुट डोंट पुट, थोड़ा जल्दी में इसलिए है ना, इस समय इसको आ रही है। टर्न पॉइंट दिस साइड टर्न टर्न हील गुड बॉय हील हील, थोड़ा सा टहला लेते हैं। नो 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 गुड बॉय दिस साइड गुड बॉय, थोड़ी देर यहाँ रिलैक्स करके छोड़ देते हैं और सोसु कर रहा है। ये इतने दिनों में ट्रेन किया है, कैसे किया क्या सारी चीज़ें आपको अभी पता चल जाएगा। सेम चीज़ हम लोग फॉलो करते हैं जो अभी कर रहे हैं। आई होप कि आप भी अगर फॉलो करोगे तो आपको भी ये प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, अगर तो वो नहीं आएंगी और सॉल्व हो चुकी होंगी। अभी ये कुछ देर में पॉटी भी कर लेगा। टोटो गुड बॉय कम हियर, टोटो कम दिस साइड दिस साइड, नो पॉटी करो आ जाओ, लेट्स गो कम, नो 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 बैड हैबिट दिस साइड, पॉटी करो पॉट, नो 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 पॉटी कर लो इधर ही, नो ड्रॉप इट गुड। कुछ भी खाए तो ध्यान रखना होता है कि बस उसको मना करते रहने। ठीक है, कम हियर दिस साइड, बस हम लोग बस यही वेट कर रहे हैं कितनी देर ये कितनी जल्दी ये पॉटी करें और आप लोगों को शो करें हम। जिस साइड के सही नो जिस साइड फिट पोर हटे गए मतलब मिशन हमारा सक्सेस हो गया। ओके, मिशन सक्सेस, तो इस ट्रिक को मैं अभी बता रहा हूँ कि कैसे आप इस चीज़ को ट्रेन करेंगे। इस चीज़ के लिए विद इन 5 मिनट्स इसने कर लिया, अब आपका मन है तो आप इसको वॉक करा दीजिए थोड़ी देर, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है तो वॉक करा देते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रेनिंग और ट्रिक मैं रिवील करूँगा इसके बाद कि कैसे ये किया आप। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। हील, अब पहले के जो वीडियोस हैं उनमें देखिएगा इसका चलने का तरीका और अब में क्या है, कितने चेंजेस आए हैं, तो ये काफ़ी सुधार आया चलने में इसके, लीश पुल नहीं करता और थोड़ा सा अगर इसको हिंट दे दो, इंस्ट्रक्शन दे दो, अगर थोड़ा सा इशारा दो तो बहुत अच्छे से चलता है। नो, और चीज़ों को मानता भी है। ओके, तो
एकदम जहाँ जहाँ इसको धूल या कुछ दिखता है या मिट्टी वगैरह, तो हम क्या करते हैं इसको रिलीज़ इसलिए करते हैं जैसे सुसु वगैरह कुछ और आ रही हो तो फिर से कर ले वो, है ना। फ्रीडम देना भी ज़रूरी है चलते चलते। नो ठीक है, नो लेट्स गो हील। जब ये अंदर आ जाएगा ना डॉग, जैसे अंदर लाने के बाद गेट के, तो अब इसको खेलना नहीं है इसके साथ तुरंत ही। तुरंत इसको क्या करना है, जैसे कि खाना खिलाते हैं हम लोग, इसकी आदत डाल दी है कि जैसे पॉटी कर लेगा तुरंत इसको खाना मिलेगा। तो अभी इसको देते हैं, इसका खाने का टाइम है, तो उसको खाना दे दिया जाएगा। ओके तो इसमें क्या होता है कि इसके साथ जो प्रॉब्लम थी टोटो के साथ क्या था, ये लोग 3 बार इसको खाना दे रहे थे क्योंकि इसकी एज हो गई है समय 6 मंथ प्लस, तो कुछ मंथ ऊपर हो गए हैं, 7 महीने करीब का है ये। तो इसमें क्या है, ये लोग खाना दे रहे थे 3 बार। अब इसमें कभी इसका डाइट शेड्यूल 3 बार था, तो जितनी बार ये डॉग खाते हैं अमूमन उतनी बार ये पॉटी करते हैं, डॉग की ये डाइट होती है, यही शेड्यूल होता है। अब यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी कि कुछ खाने में दिक्कतें थी सुबह और कुछ शाम में और दोपहर के खाने में, तो जिस तरीके से देना था वो गलत तरीका था। तो मैंने उसको कुछ तरीके बताए, तो जैसे मैंने जो तरीका बताया इसमें क्या था कि आपको एक तो 2 टाइम खाना देना है अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, और जैसे सोने से पहले इसको। बट उससे क्या करना है, कुछ शेड्यूल फॉलो करने थे, जैसे कि जब भी इसको सुबह के बाद उठेंगे इसके पास जाएंगे, सबसे पहले इसको इसकी जगह से खोल के या जहाँ भी टहल लाइए, जब तक आपका डॉग पॉटी के लिए ट्रेन नहीं है, अगर ट्रेनिंग के अंदर है तो आप उसको बांधेंगे रात को, ठीक है। रात को जब बांध देंगे तो जब सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे आप, तो सबसे पहले खोल के उसको आउटसाइड लेके जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको करानी है उसी जगह। हो सकता है पहले दिन ना करे डॉग, और जब वहाँ थोड़ी देर टहलाएंगे 10-15-20 मिनट तक टहलाएंगे, कम से कम आधा घंटा भी टहला सकते हैं जब तक पॉटी ना करे, और जैसे ही पॉटी या सुसु कर ले प्यार करके गुड बॉय शाबाश करके अंदर लाना है और अंदर ला के उसको खाना खिला देना है, ठीक है। तो जैसे ही ये सब आधे घंटे का गैप होता है इसमें खाने में और पॉटी कराने में, पॉटी कर ले उसके बाद फिर क्या करना है, ला के तुरंत बांध के खाना खिलाना है। खाना खिलाने के बाद जब एकदम वो फ्री रिलैक्स हो जाए उसके बाद आधे एक घंटे के लिए फ्री छोड़ देना है, फिर उसके बाद देखेंगे आप थोड़ी देर बाद फिर से उसको बांध देना है, ठीक है, बांध देना या फिर उसको बाहर टहलाने के लिए लेके जाना है, ठीक है। जब बाहर टहलाने लेके जाएंगे इसके बाद क्या होता है, पॉटी तो कर चुका होता है मगर वो सुसु ही करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप शाम को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सुसु पॉटी दोनों के लिए बाहर जाने लगेगा, तो ये नेचुरली अपने आप ही ट्रेंड हो जाते हैं क्योंकि जहाँ रहते हैं ये वहाँ पॉटी नहीं करते हैं। बांधने का जिसमें स्पेशल ध्यान रखना है, जब तक पॉटी ना करें तब तक बांध के रखना है, पॉटी कर लेता है तब भी इसको फ्री छोड़ेंगे। देन अब ये ट्रेंड हो चुका है तो ये प्रॉब्लम इसके आगे नहीं आ रही है। अगर आप भी ये शेड्यूल फॉलो करेंगे तो बहुत आराम से डॉग सीख जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी और ईजीली बिना कोई मेहनत किए कि सारी चीज़ें और नॉर्मली सीख जाएगा। अब ये ट्रेनिंग तो हो गई आपके बड़े डॉग के लिए जो 6 महीने से ऊपर हैं और जिनका वैक्सीनेशन कंप्लीट है और जिनको बाहर लेके जा सकते हो आप आराम से, ठीक है, जो 2 टाइम खाना खा रहे हैं। बाकी जैसे पप्स होते हैं कई बार खाना खाते हैं और वो जगह तुरंत करते हैं बार बार, तो उस चीज़ के लिए हम इंडोर ट्रेनिंग अलग से लेके आएंगे। ये आउटडोर ट्रेनिंग है, इसको फॉलो कीजिए। अगर 2 टाइम आपका खाना खा रहा है डॉग ये, तो बहुत आराम से ये आपका शेड्यूल में आ जाएगा। अच्छा, कमेंट से हमने एक कॉमन प्रॉब्लम उठाई है कि हमारा डॉग जैसे रात को खुला छोड़ दो तो घर पर ही पॉटी करता है, तो पूरी जगह गंदी कर देता है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। ये कमेंट सेक्शन से हमने उठा के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो इसका आंसर है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और इस चीज़ को फॉलो कीजिए, आपका डॉग सीख जाएगा। जैसे अगर आपका डॉग रात को पॉटी सुसु अगर कर देता है घर में ही, तो उसको क्या करो, खाना खिलाने के बाद रात को तो टहलाना ही है, या पहले या बाद दोनों टाइम टहला सकते हो, जिस समय पॉटी कर ले उसके बाद ला के फ्री छोड़ सकते हो, नहीं करता है तो उसको बांधना है, ठीक है, और फिर तब देखना है उसको, तब खोलना है सुबह जब आप अर्ली मॉर्निंग उठ के फिर उसको लेके जाना है बाहर, अगर कर लेता है फिर ला के फ्री छोड़ना है, नहीं तो फिर बांध देना है। तो इस तरीके को फॉलो करोगे ना तो आपका डॉग देखना ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो पॉटी के लिए ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ों के लिए मैंने सारी डिटेल्स बताई दी हैं, पूरी वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। हेलो गाइस, तो हम इस वीडियो में ना लैब्राडोर वर्सेस जर्मन शेफर्ड कर रहे हैं, तो इसमें देखते हैं किस ब्रीड को ज़्यादा वोट मिलते हैं, लैब्राडोर को या जर्मन शेफर्ड को। आप जिसको वोट करना चाहते हैं कमेंट में नीचे लिख के भेजें, जर्मन शेफर्ड या लैब्राडोर।
अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए वीडियो में। अगर आपके पास कोई ब्रीड स्पेशल है या अपने डॉग के बारे में जो भी जानना चाह रहे हो, सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आप इसमें मेंशन कीजिए। अगर आपकी कॉमन प्रॉब्लम हुई तो हम उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। हो सकता है ऐसी चीज़ हमारे दिमाग में ना आई हो, आप लोग हमें कुछ बता दो तो हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।